गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। एक और बहुत ज़बरदस्त मैच मेजर लीग सॉकर का। आज पहली बार सारे फुटबॉल के मैच अच्छे हैं, मतलब एक को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा है। वरना बहुत दिनों से ना ऐसा हो रहा था कि ये मैच अच्छा नहीं है, इधर क्रेडिट इशू है, ये है वो है, तो इस मैच में कुछ नहीं है ऐसा। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो लोग न्यू हैं या जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैं फाइनल टीम पोस्ट करता हूँ, बट दिन की एक से दो। वो इसलिए कि यार एक्चुअली क्या है कि सारी टीमें ओपन आती नहीं, तो वो आपको सारा आगे पता चल जाएगा, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेता हूँ इस मैच की। तो यहाँ पर देखो दोनों टीम्स अच्छी हैं। एल ए गैलेक्सी का ये सीज़न अच्छा चढ़ा नहीं, क्योंकि जे हर्नांडिस की इंजरी हो गई थी बीच में, जिस कारण 6-7 मैच वो खेला नहीं और ये टीम थोड़ी पीछे हो गई। बट आगे बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि नीचे से कोई उठ के ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। तो एस पी के सी और एल ई जी में दोनों में बराबर की टक्कर रहेगी, दोनों तरफ से गोल हो सकते हैं, अच्छे गोल हो सकते हैं, ज़्यादा गोल हो सकते हैं। ध्यान बस इतना देना कि प्लेयर ऐसे उठाना कि जो गोल करने लायक हों, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके प्लेयर उठा लिए। तो बात करें फर्स्ट प्लेयर की, जोनाथन। तो जोनाथन इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, और जोनाथन एक जो प्लेयर है वो खेलता है नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं। कई बार मैंने इसको एक्सटर्नल पेनल्टीज़ रोकते हुए एक आधी बार देखा होगा, उसके अलावा ये बंदा पेनल्टी ज़्यादा से ज़्यादा मिस ही करता है, ठीक है, वो होता है, वो तो सबका रेशियो होता है, तो मैं इस प्लेयर को कुछ नहीं बोलूँगा। आगे से बात करें एल मार्टिन्स को लूँगा, तो यहाँ पर लूँगा लुइस मार्टिन्स को। लुइस मार्टिन्स का 4 बार कॉन्जिक्यूटिवली ड्रीम टीम में नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मैक्सिमम पॉइंट्स अचीव कर रहा है, बिना गोल, बिना असिस्ट और बिना क्लीन शीट के, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। ये कुछ अच्छे सिम्टम्स हैं प्लेयर के कि अच्छा चल सकता है, और एस पी के सी की टीम का है जिसको हम फेवर कर रहे हैं। और आगे से बात करें फॉन्टेस की, तो यहाँ पे लूँगा एंड्रयू फॉन्टेस को। देन एंड्रयू फॉन्टेस इज़ अ नाइस प्लेयर, और वन अनदर प्लेयर जो कि एक और लेने वाला हूँ, ग्रैहम ज़ुसी को। तीनों प्लेयर मैंने एक साइड के लिए, क्योंकि मेरे को फॉन्टेस से भी निराशा नहीं है, ज़ुसी भी एक बेस्ट प्लेयर है, एंड एल मार्टिन्स, और तीनों की शील्ड हो गई। अब बात करें वन अनदर प्लेयर की, एरोजो को लेने का कारण यहाँ पर क्या था। एरोजो की जगह मुझे अच्छा भला एक प्लेयर मिल रहा था एस पी के सी का, फोर्थ डिफेंडर। मैंने उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि एल ए जी भी गोल करेगी, और ये हो भी सकता है आज के मैच अगर आप ये खेलते हैं। ये तो मैं खेलूंगा नहीं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, मैंने एनालाइज तो कर लिया, मेरा दिल कह रहा है कि खेलना चाहिए, बहुत अच्छा है, भले मेरे को स्पेशल जागना पड़े, बट देखते हैं। बट आप मेरे को सुबह उठ के खुद शायद बोलेंगे कि ये मैच ज़बरदस्त गया। एंड आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, जे रसल पिछले मैच में गोल करके गया, पहले ही बोल दिया था कैप्टन रख लेना। सीटल सीन्टर्स के खिलाफ मैंने आपको कैप्टन रखवाया था इस प्लेयर को, जिसको नहीं विश्वास हो मेरी 24 अक्टूबर की वीडियो देख लो, साफ बोला था मैंने कि रसल को कैप्टन रख लो, और जिन्होंने रखा था सुबह लिटरली उन्होंने कमेंट सेक्शन भर दिया था कि भाई क्या कैप्टन चॉइस थी लिटरली। और मैं इसमें आप मुझे थैंक यू मत बोलो, क्योंकि इसमें तो देखो सारा काम प्लेयर्स की मेहनत सब कुछ है। आगे से बात करें वेस्कोस की, जो लोग नो सिखे हैं, जो लोग मतलब जो नए नए हैं इस चीज़ में, वो वेस्कोस को कैप्टन रख के आएंगे। और वेस्कोस जो पिछले मैच में करके गया वो बहुत रेयर था कि इस बंदे ने 8 बार चांस क्रिएट किए, और 8 बार चांस क्रिएट करने का मतलब भाई कोई कम नहीं है, 8 बार कई बार तो पूरी टीम में चांस क्रिएट नहीं होते जो ये अकेला कर गया। और जी किंडा की बात करूँ, गैडी किंडा अगर एक आधी भी असिस्ट या मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो गोल कर गया ना, तो वो सही है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी जगह पहले मैं लेने लगा था आर वॉल्टर को, और वॉल्टर अच्छी फॉर्म में भी है, बट वॉल्टर को छोड़ने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि जी किंडा को आज ये मिडफील्डिंग में खिलाएंगे, जबकि इस चीज़ के अंदर असिस्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, गोल के थोड़े कम, बट असिस्ट भी आ गई तो अच्छा है। रेवेल्सन की बात करें, रियान रेवेल्सन वॉज फ्लॉपिंग फ्रॉम लास्ट मैनी मैचेस, और वो इसलिए क्योंकि रेवेल्सन को शुरुआती तौर पे तो चल गया क्योंकि बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे थे, अब बड़े बड़े प्लेयर्स की वापसी जैसे ही हो रही है रेवेल्सन फ्लॉप होता जा रहा है। तो आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, जे हर्नांडिस सबसे मेन प्लेयर। जेवियर हर्नांडिस बीच में हुआ था इंजर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, डू नॉट प्ले, देखो कितने मैचेस में, उसके बाद आते ही बंदे ने एटीएन के खिलाफ कर दी थी 3 बार शॉट ऑन टारगेट की ट्राई, उसके बाद सीधा आरएसएलसी को गोल, मतलब फॉर्म बिगड़ी नहीं है। अगर एक प्लेयर इंजरी के बाद आता है तो ये मत समझना कि वो हल्का पड़ गया, वो वही है, शेर होता है। और आगे से बात करें डैनियल ज़लोई की, डैनियल ज़लोई को अगर आप लो तो कैब्रल को छोड़ के ले लेना, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपने डैनियल ज़लोई छोड़ दिया तो आप ये मैच से हाथ धो बैठोगे। जिसने भी डैनियल ज़लोई छोड़ दिया वो ये मैच से हाथ धो बैठेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों छोड़ा है, मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि पिछले मैच में वो खेला नहीं था, अब सुबह वो खेलेगा कि नहीं इसके बारे में तो लाइनअप्स ही बताएंगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ अगर ज़लोई खेले तो कैब्रल को छोड़ देना, कैब्रल को सेव एंड वेट करके रख लो, अगर बाई चांस ज़लोई नहीं खेलता तो आप कैब्रल को कैब्रल के साथ ही चले जाना, या फिर कोई डिफेंडर चूज़ कर सकते हो।
आगे से बात करूँ कैप्टन की, रसल वॉज माई कैप्टन, वाइस कैप्टन वॉज माई जे हर्नांडिस, ये रही मेरी टीम। मिलता हूँ मैं आप लोगों से डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं आपको सेफ टीम दूँ तो आप कभी सलोही को सेव एंड वेट कर ही लो यार, क्योंकि कुछ नहीं पता खेलेगा कि नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि सुबह आप मिस्टेक कर दो, चलो आप ये सेव एंड वेट कर लो, कोई चेंजेस होगा वो आप कर सकते हैं। अपनी तरफ से सारा समझा दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।